चुरा चुरा के शक्कर। तुमने मेरा काम बढ़ा दिया कसम से। नीचे डाल देंगे, चीटियां उठा ले जाएंगे तुम्हारे। अरे नहीं, चीटियां आ जाएंगी लाल वाली। तो क्या करूं, मेरा हाथ पिला। काम बढ़ा हुआ आदमी हूँ। वेलकम बैक टू खुशनूर्स व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत खैरियत से हैं। तो आज रमज़ान का 13वां दिन यानी 13वां रोज़ा और मैंने वज़ू कर लिया है। मगरिब की अज़ान हो चुकी है और अब जाके नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद रोज़ा खोलेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सीधा मिलेंगे आपसे दस्तरखान पर। तो यहाँ पे इफ्तारी हमारी सब हो चुकी है और बस थोड़ा सा ही बचा है। आलू के पराठे बने थे आज और हम अब आ गए हैं किसी काम से। और फिलहाल अभी मैं ये सब समेटूंगी, बर्तन धोऊंगी, उसके बाद कुरान पढ़ूंगी, उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे तो उनसे मिलवाऊंगी। टिल देन आप लोग बने रहिए आगे के ब्लॉग में। प्रोवाइडर आगे, प्रोवाइडर प्रोवाइडर भाभी को मैं इल्म सिखा रहा हूं। तो ये आ गए हैं घर। हाँ जी। अरे कैसे आप सब? बढ़िया। तो मतलब क्या ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई है? हाँ बस दोबारा बिल्कुल करेंगे कंटिन्यू, बस चाय बना दें इनको। तो ये आ गए हैं और अपने जो है घर वाले अवतार में आ गए हैं, हाफ नेकर में, और खाना पीना शुरू कर दिया है। क्योंकि सुबह से कुछ खाते नहीं है, इफ्तार के टाइम जो है थोड़ा बहुत बिरयानी होती है। थोड़ा बहुत बिरयानी होती है, बट लेकिन एक बॉडी को, तो इवन बॉडी को बहुत सारी चीजें चाहिए। हाँ, जैसे पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, तुवाली, बैगनी टाइप। जब तक रमजान का जो है हक अदा नहीं होता है। हाँ, अल्लाह ने रोजे वाजिब किए थे, अब इंसानों ने पकौड़ी वाजिब कर लिया अपने ऊपर। क्या खा रहे हैं? पाव भाजी। पाव भाजी है। हाँ चाची, चाची का ज्यादा पाव भाजी। ये पालक की पकौड़ी है। ओके। वो रखी हुई है, वो फुल्की है, मतलब प्याज वाली पकौड़ी है, और ये रखी हुई, ये सुहाल, ये है धनिया वाला आलू। तो तुम सब खा जाओगे? सब। चाय बना के देना है। हाँ, चाय तो मिसिंग थी। चाय बनाओ। चाय बना के दे रहे फिर फटाफट। Your tea, special tea. तो चाय इनको मिल चुकी है और अब ये आराम से खा सकते हैं। तो फिलहाल जब तक ये चाय पीते हैं तब तक हम लोग ही जो काम बढ़ा हुआ है थोड़ा सा इसको समेट लेते हैं फटाफट से।
तो बज रहे हैं रात के 12:15 और अब मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पराठा और सॉस खा लिया जाए। और ये यहीं मेरे बगल में पड़े हुए हैं किस सोच में। ओ हेलो जी, ओहो बुढ़ापा बुढ़ापा चश्मे के साथ, जुल्म हो गया, चश्मे के साथ फ्रेम में आ गए। बुढ़ापा नहीं होता है। अरे स्मार्ट लग रहे हो तुम। ओ अब तो लग गया भाई, अब तो हो गया, अब तो बहुत तारीफ हो गई। खाओगे? मैं सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हो? अपने क्रश के बारे में। हमसे भी कभी मिलवाइए, आई वाज इन डीप, आई एम इन डीप थिंकिंग ऑफ माय क्रश राइट नाउ। हम नाम बता दें? कियारा आडवाणी। नो घर में नहीं डाले, अम्मा चली भुनाने। आई बड़ी कियारा आडवाणी। तुम थिंकिंग अबाउट हर रियली? अपने घर में जो स्वीपर बिना रख के तुम जैसे लोगों को। ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, सिद्धार्थ भाई के मेरे साथ। सिद्धार्थ के साथ, और सिद्धार्थ मेरा क्रश है। अब क्यों मुंह बना भाई? मेरा क्रश है सिद्धार्थ। तुम्हारा क्रश ही नहीं हो सकता? है मेरा क्रश। योर क्रश? आई शुड बी योर क्रश? नहीं, सिद्धार्थ है। आई शुड हैव बीन योर क्रश। तो चलिए इसी के साथ कटिंग। आप लोग मेरी कुछ नहीं कटेगा भाई। कटिंग चाय पियोगे क्या? और एक काम करें, रुआब्जा बनाओ। रुआब्जा पियोगे कि चाय पियोगे? कुछ नहीं पिएगी, घर सोने। अच्छा लस्सी पियोगे? और चले लस्सी पीने हो तो बताओ। चले ना भाई, जाएगा जाएगा। देखो अब कोई नहीं जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे ना, तो अब कोई नहीं जाएगा, ये समझ लो। अब अच्छा जाओ, तो चले जाओ, नहीं रहोगे ना, मेरे लिए भी लेके आना। नहीं, नहीं जाएगा। क्या घिनौना बन कर रहा है यार। तो फिर अभी मैं ये खा लूँ, मिलेंगे सीधा रूम में थोड़ी देर में। और ये देखिए कलाकारी, इतनी रात में 12 बजे, रात के 12 बजने शक्कर डाली और जुगाड़ देखिए आप। तो बोतल में शक्कर डालने का जुगाड़ देखिए खाली आप। वह चाय एक नहीं छोड़ दे, वरना अब्बा मेरे कोई पी जाए। तो वो शक्कर उसमें से डाल देना डब्बे से। ये देखो डब्बे में रखी है, ये इधर इधर ये डब्बे में रखी शक्कर, और डब्बा भर देना। रुआब्जा बनने जा रहा है वो भी इतनी रात में। चलो अपनी जो चोरी है उस चोरी को कवर कर देते हैं। कवर अप कर दिया जाए। तो अब ये बनने जा रहा है रुआब्जा, चुरा चुरा के शक्कर। तुमने मेरा काम बढ़ा दिया कसम से। नीचे डाल दे रहे, चीटियां उठा ले जाएंगे तुम्हारे। अरे नहीं, चीटियां हो जाएंगी लाल वाली। तो क्या करूं, मेरा हाथ पिला। काम बड़ा हुआ आदमी हूँ। हमको काम क्या? इसके नीचे गैस के नीचे कुछ नहीं, अब नहीं, खत्म हो गई। और इसके नीचे बस, बस, बहुत है, बहुत है। हाथ डाल के निकालो पूरी शक्कर। हो गई, अभी भी दिख रही है, हमको दिख रही है। सोनू इधर पंप है। मैं क्या है यार, शक्कर गिरा के काम बढ़ा चुके हैं ना, मैंने समेट दिया अपना काम। और ये देखिए कि इस बॉटल में अक्सर शरबत, मतलब इस बॉटल में ही शरबत बनाया जाता है, तो इसलिए कीप बनाई गई है। देखो दिखाने तो दो, इधर इधर दिखाने दो। इसके जो है मुंह पे इस तरह से रख के, और फिर शक्कर डाली जाती है तो ज़्यादा आसानी से जाती है। दिमाग देखो, दिमाग तो ये फिलहाल संभाल के रख दिया जाता है। हम लोग हैं कानपुर से बिलोंग। जी हाँ, वी बिलोंग टू कानपुर। जी हाँ, और कानपुर वाले जो होते हैं ना, दे ऑफ द ओनली ऑप्शन ऑफ जुगाड़। चलो हस्बैंड उधर बना रहे हैं शरबत, और मैं ये दिखा दूँ कि मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं आज। सिर्फ मेरे ही नहीं, हस्बैंड के भी हैं, और वो जो पड़ा हुआ है वो टी शर्ट है हस्बैंड की, और ये दुपट्टा उन्होंने पता नहीं किस लिए लिया था, आते के साथ ही फैला दिया है। ये देखिए बस इनको ये चाहिए। और फिलहाल शोर मत करो, वहाँ जाके बना लो शरबत यार, प्लीज। परेशान मत करते। तो फिलहाल अभी ये कपड़े उठा के मैं तो रखूंगी अलमारी के। क्यों इरिटेट कर रहे हो? काम कर रहे हैं ना। I'm not irritating you.
काम कर रहा हूँ, तुम शरबत नहीं पियोगे क्या? पियेंगे तो मतलब इस तरह से क्या होता है, इस तरह से शरबत पिलाया जाता है। भाई चुप रहो, तुम बदतमीजी कर रहे हो, अभी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, मत करो। तो ये तो नए वाले हैं दो, तो इनको फिलहाल मैं अभी ऐसे नहीं पहनूंगी, और प्रेस करूंगी मैं पहले प्रेस। ये सब जींसें और हस्बैंड का कुछ एक्स्ट्रा डाल रखा हुआ है, जगह बना के इनको भी रखना ही है, तो रख देते हैं फटाफट से। ये इधर आ गए, और इधर एक जोड़ा और आ जाएगा जो कि ये है। अलमारी मेरी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है, ये सब हस्बैंड की देन है, मेरे हस्बैंड की देन। तो अभी बंद कर देते हैं टॉर्च भी। इतना इतना इरिटेट कर रहे हैं ना ये, इतना इरिटेट कर रहे हैं, मैं परेशान हो गई इनसे। क्यों ये बन चुकी है, घुल गई शक्कर पूरी तरीके से, शायद अभी अभी नहीं घुली, अभी नीचे है। भाई साहब घुल चुकी है, भाई साहब है नीचे। तो चलिए फिर आप शरबत बना के लाइए, मैं पीऊंगी फिर आराम से। तो फाइनली रुआब्जा का शरबत बन के हो गया है रेडी, एक सेकंड में ज़रा। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और टेस्टी, नींबू बहुत हट है मुझे रुआब्जा में, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बहुत टेस्टी है यार, मज़ा आ गया, लेकिन मैं अभी हस्बैंड को दिखा नहीं सकती। ये रुआब्जा बहुत ज़बरदस्त बना है, तो इसी रुआब्जा के साथ एक मिनट। हाँ जी, तो इसी रुआब्जा के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। टडा, मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपना सपोर्ट ही बनाए रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिसमें जिसको जिसको भी आप जानते हैं, सबको शेयर करिएगा ताकि फैमिली और बढ़ सके, और यूं ही साथ बनाए रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।